हेलो सोल फैमिली, हाय, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, कुछ बातें अभी के टाइम पे जो एनर्जी चल रही है उसके बारे में। बहुत ही ज़्यादा एनर्जी ड्रेनेज क्रिएट किया जा रहा है नेगेटिव एंटिटीज़ की तरफ से, ठीक है। एटमॉस्फेयर में, कलेक्टिव में बहुत ज़्यादा एनर्जी आपकी लीक हो रही है। अगर आप बॉडी एक फील करते हैं विदाउट एनी स्ट्रॉन्ग रीज़न, अगर आपको कोई हेल्थ इशू नहीं है, आप बेवजह का बॉडी एक फील कर रहे हैं, बेवजह का हेडेक फील कर रहे हैं, या हैवीनेस बनी हुई है ऑलवेज, आप ड्रेन फील कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो चीज़ है, आपको ये कुछ मैंने नोट किया है कि ये दिनों में जिन लोगों को मैंने जो है इनर वर्क भी स्टार्ट करवाया है, ठीक है, जनरली हमेशा जब करते हैं तो ऐसे कोई शिकायत नहीं आती, लेकिन अभी जब इनर वर्क भी स्टार्ट करवाया तो वो लोग बोल रहे हैं कि आके बोल रहे हैं कि कोई ना कोई तो ऐसा जो है ऑब्स्टेकल क्रिएट हो रहा है उनके इनर वर्क में। जैसे जो लोग जनरली आते थे, सिर्फ रीडिंग लेते थे, एनर्जी चेक लेते थे, जिनको मैंने अभी के टाइम पे ज़बरदस्ती मोटिवेट कर करके जिनको मैं इनर वर्क की तरफ लगा रही हूँ, और उनको मैंने वादा कर करके जो है वादा ले लेके उनको भेजा है वापस कि आप बस एक महीने का इनर वर्क करिए ही करिए, मेरे कहने से ही करिए। तो वो लोग जब जा रहे हैं, एक दिन इनर वर्क करें, दो दिन इनर वर्क करें, फिर वो सडनली आके ये बता रहे हैं कि मैम पता नहीं कैसे लेकिन कोई ना कोई ऐसी जो है रुकावट कह सकते हैं, या मतलब डिस्ट्रैक्शन क्रिएट की जा रही है, जो ऐसा लग रहा है कि मतलब हमें एक दिन हमने इनर वर्क किया बहुत अच्छा लगा, दो दिन किया बहुत अच्छा लगा, तीसरे दिन ऐसा लग रहा है कि ऑटोमेटिकली ऐसा कुछ हो जा रहा है कि वो इनर वर्क हम कंटिन्यू ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तीसरे दिन ऐसा कुछ हो जा रहा है कि वो इनर वर्क चाहते हुए भी कंटिन्यू नहीं कर पा रहे। तो और जब इनर वर्क कर भी नहीं रहे हैं और साथ में हद दर्जे की ड्रेनेज, ठीक है, तो ऑरा लॉक करिए अपना, टाइम टू टाइम अपना ऑरा लॉक करिए। और दूसरी बात यह है कि अगर आप भी इस टाइप की किसी चीज़ों में हैं, क्योंकि 101% आपको इस टाइम पर जो एनर्जीज हैं, आपको मन कर रहा होगा कि आपका कुछ आप अच्छी सी साधना करने का, या अच्छा सा कुछ और कुछ करने का, इनर वर्क में कुछ नया इंक्लूड करने का, या आपका जो कुछ भी करने का मन करेगा, जो कुछ भी आप प्लान करेंगे, ये टाइम ऐसा हो रखा है कि आपका वो कुछ भी करके एग्जीक्यूशन में नहीं आ पा रहा, ठीक है, वो एग्जीक्यूट हो ही नहीं पा रहा। तो अगर ऐसा कुछ लग रहा है आपको कि ऑब्स्टेकल्स क्रिएट हो रही हैं, तो समझ जाइए कि आपको जो है नेगेटिव एंटिटीज़ वो राइट वर्क करने से रोकना चाहती हैं। आप अपने पे सही काम करें, अपने पे फोकस हों, अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ें। ये डार्क एनर्जीज़ को बिल्कुल पसंद नहीं आता। मैं पर्सनली ये फील कर रही हूँ कि यहाँ पे कलेक्टिव में बहुत ज़्यादा ड्रेनिंग वाली एनर्जी है और लीकेज है, एनर्जी का लीकेज है, ठीक है। तो जहाँ कहीं आपको लगता है कि आपकी एनर्जी लीक होती है, अपने सराउंडिंग में मैं फील कर रही हूँ कि अच्छे खासे लोग ऐसे माहौल क्रिएट कर रहे हैं, जैसे मतलब कुछ ऐसा हो रहा है कि उनके काम मेरे काम के साथ जो है क्लैश कर रहे हैं, और अगर मैं कोई काम करना चाह रही हूँ तो फिर लग रहा है जैसे, हालांकि मैं उतना संभाल लेती हूँ कि उन चीज़ों से इफ़ेक्ट होने नहीं देती हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा तो हो रहा है कि ऑब्स्टेकल आ रही है लगातार। तो अगर आप लोगों को भी लगता है कि इस टाइप का कुछ भी चल रहा है कि ऑब्स्टेकल वगैरह आ रही है, तो आप सिंपली अपनी ऑरा को लॉक करिए, अपनी ऑरा को प्रोटेक्ट करिए, ठीक है। और बिल्कुल अगर आप इष्ट है आपका, तो बजरंगबली का इस टाइम पे ज़्यादा करिए, ठीक है, हनुमान जी का बहुत करिए, शिवा का कर सकते हैं आप, ठीक है, महादेव का करिए, हनुमान जी का करिए, कुछ भी करके अपने आप को उस स्ट्रेंथ में बनाए रखिए। जो भी चीज़ आपकी वाइब्रेशन ऊपर लेके आती है, आपको आपकी स्ट्रेंथ को उजागर करती है, निकालती है आपकी स्ट्रेंथ को, आपको आपकी स्ट्रेंथ में वापस लेके आती है, वो करिए, ठीक है। जैसे कुछ भी होता है तो मैं सीधा बोलती हूँ कि मतलब मैं तो जिस भी कंडीशन में जहाँ हूँ, किचन में हूँ, रूम में हूँ, बाज़ार में हूँ, और मुझे लगेगा कि हल्का सा ऐसा कुछ हो रहा है कि कोई ना कोई मेरी मतलब एनर्जी फील्ड में एंट्री की कोशिश हो रही है, तो मैं वहीं पे सीधा बोलती हूँ कि नहीं भगवान जी, सिर्फ और सिर्फ आप इनवाइटेड हैं।
ठीक है, आप भी ऐसा ही करिए, उसी वक्त में वही वहीं पे उस चीज को देखिए, उस जगह पे आप डिवाइन को ले आइए, ठीक है। जिस भी जगह पे आपको लग रहा है ना कि कोई ऐसा कुछ आपके साथ क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है, वहीं पर आप डिवाइन को ले आइए, बिल्कुल उनको, ओनली यू आर इनवाइटेड, ठीक है, यूनिवर्स, केवल आप इनवाइटेड हैं, आप यहाँ आइए, पधारिए, इस चीज़ को संभालिए, ठीक है, आप ही हैं और आप ही रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको कह रही हूँ सरेंडर का लेवल बढ़ाने के लिए, तो ये तो मैंने अपनी बात बताई है, आप जिस लैंग्वेज में यूनिवर्स से बात करते हैं, जिस तरीके से यूनिवर्स से कनेक्ट करते हैं, वैसे करिए, लेकिन प्लीज़ अपनी एनर्जी को लीक होने से बचाइए। आपकी एनर्जी लीकेज का प्रॉब्लम इस टाइम पर ज़्यादा करके आ सकता है। बॉडी अगर रेस्ट मांगती है तो रेस्ट करना है आपको, ठीक है, लेकिन अगर आपका कंसिस्टेंट इनर वर्क अगर कहीं से डिस्टर्ब हो रहा है तो फिर आपको ये बातें समझनी पड़ेंगी कि ये किया जा रहा है, ठीक है। आई होप मैं आपको अपनी बात समझा पाई, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छे अच्छे कुछ एक्सपीरियंस हैं जो मैं जल्दी ही आप लोगों के लिए लेके आ रही हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय।